और युवाओं के लिए विशेषकर पांच आसन जो नित्य करना चाहिए। पहला आसन शीर्षासन, सभी आसनों का राजा जिसे कहते हैं शीर्षासन, वो पांच आसन किस प्रकार है देखिए। आप किसी भी दीवार के सपोर्ट के सहारे कर सकते हैं या किसी व्यक्ति से सहायता करके भी हम इस आसन को कर सकते हैं। और नित्य अभ्यास करने से हमें शारीरिक शक्ति तो प्रदान होती है और इसमें हमारा मन भी बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे शुरुआत में इसका अभ्यास हमें 2 मिनट से लेकर 30-30 मिनट तक कर सकते हैं। आप 2 मिनट से स्टार्ट करें, प्रत्येक दिन करें, अपने जीवन में शीर्षासन को अपनाएं। इससे अगला अभ्यास दोनों पैर सामने की ओर करेंगे, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमारे जो पेट की चर्बी बढ़ी हुई है उसको कम करने में बहुत सहायक है। हमारे जो लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इन सभी अंगों को वहाँ ब्लड सर्कुलेट करता है, वहाँ तक प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। इसलिए हमें इस आसन को प्रत्येक दिन करना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी को जीने में बहुत और आसान कर देता है। इसके पश्चात मंडूकासन, श्वास छोड़ते हुए दोनों मुष्टि का बंद करेंगे, नाभि के दोनों तरफ टिकाएंगे और आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को याद करते हुए पुनः श्वास भरते हुए ऊपर इस तरीके से हमें मंडूक आसन के 2 से 3 बार अभ्यास करना चाहिए। पहला आसन हमारा हुआ शीर्षासन, दूसरा हमारा हुआ पश्चिमोत्तानासन, तीसरा हमारा मंडूक आसन और जो चौथा आसन है हमारा कमर के बल लेट कर पश्चिमोत्तानासन और लास्ट हमारा रहेगा पूर्ण हलासन और लास्ट हमारा रहेगा चक्रासन। गहरी लंबी श्वास और पीछे की ओर दोनों हथेलियां जमीन पे टिकी रहेगी, आप चाहे तो ग्रीफिंग भी बना सकते हैं। यह हमारी लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है, पेट को कम करने में भी सहायक है। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, ध्यान रहे। इस आसन से हम वापस नीचे की ओर आते समय हमारी गर्दन ना घुले और पैर सीधे रहे और धीरे धीरे आए। अगला अभ्यास युवाओं के लिए जो हमारे मेरुदंड को बहुत मजबूत बनाता है, चक्रासन। हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा होती है, उसको रक्त संचालन उसको प्रॉपर वे में काम करवाने के लिए हमें चक्रासन करने चाहिए। इसी से दोनों पैर को फोल्ड करते हुए नितंब के लगाइए और दोनों हथेलियों को पीछे की ओर लेके जाए और श्वास भरते हुए धीरे से उठेंगे। पाई कर लेके उठ जाएंगे।